हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको कोशिका में जंतु कोशिका की संरचना के बारे में या कोशिका संरचना के बारे में कल आपको बताया। आज की क्लास में आपको कोशिका द्रव्य और इसके विभिन्न कार्यों के बारे में संरचना थी। इसमें कोशिका द्रव्य इसके पूरे भाग में भरा। यह द्रव्य प्रमुखता कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पाया जाने वाला जेली जेली एक पदार्थ है, जिसको आप ब्रेड में लगाकर एक फ्रूट जेली के रूप में खाते हैं। उसी तरह का जेली चिपचिपा पदार्थ ये कोशिका द्रव्य होता है। यह कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्रीय झिल्ली के बीच में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो आपकी इधर बनी हुई होती है और इसके बीच में यहाँ पर ये पूरे हिस्से पर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भाग है, एक होता है कोशिका और दूसरा होता है मैट्रिक्स। कोशिकांग और मैट्रिक्स। कोशिकांग कोशिका के छोटे अंग होते हैं जो कोशिका द्रव्य में निलंबित होते हैं, यानी उससे दूर होते हैं। लैटिन भाषा में आर्गन्स का अर्थ है उपकरण और जो इसके विभिन्न कार्य इस कोशिकांग के विभिन्न कार्यों को दर्शाता है। नंबर एक होता है अंतर्द्रवीय जालिका। द्रवीय जालिका यह नलिका झिल्ली तंत्र है। यह अंतर्द्रवीय जालिका एक प्रकार की नलिका झिल्ली तंत्र होती है, जिसके संरचना यानी जिसकी आकृति या रूपरेखा एक लंबे धागे की तरह होती है। यह आंतरिक कोशिका के कोशिका कूड़ों को भरता है। इसका एक सिरा कोशिका झिल्ली तथा बाहरी कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा केंद्रीय झिल्ली से जुड़ा होता है। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदुरी अंतर्द्रवीय जालिका, दूसरी होती है चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका। दूसरा है आपका कोशिका द्रव्य का भाग कोशिका में राइबोसोम। राइबोसोम ये छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं जो कि
या तो अंतर्द्रव्य जालिका पर होती हैं या फिर कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। राइबोसोम छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं जो कोशिका द्रव्य या अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है सूक्ष्म कणिकाएं। ये लंबी या अंडाकार संरचनाएं होती हैं। ये दोहरी संरचना दोहरी झिल्ली से घिरी होती हैं। इनकी बाहरी झिल्ली चिकनी और अंतर झिल्ली पर उखार पाया उखार का मतलब उठा हुआ। इन उखार को क्रिस्टि कहते हैं। चौथा नंबर है लाइसोसोम की संरचना छोटी गोलाकार और थैलीनुमा होती है। इसमें तीव्र पाचक एंजाइम भरे होते हैं जिसके कारण इन्हें कोशिका के पाचक थैले कहा जाता है। लाइसोसोम की संरचना छोटी गोलाकार थैलीनुमा होती है। इसमें तीव्र एंजाइम भरे होते हैं जिसके कारण इन्हें कोशिका का पाचक थैली कहा जाता है। गाल्जी का यह चिकनी तथा चपटी थैली जैसी रचनाओं का ढेर होता है और कोशिका का यह स्रावी अंग होता है। छठवां नंबर है लवक। लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप पौधे वाले वे विभिन्न प्रकार के होते हैं क्योंकि जिन लवकों में पड़हरिंग होता है यानी हरा रंग पाया जाता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और जिन लवकों में पड़हरिंग नहीं पाया जाता उसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। पड़हरिंग वाले भाग को क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। सातवां है पश्चमाग व कशाल। पश्चमाग व कशाल कोशिका के तल पर छोटे बाल जैसी संरचनाएं पश्चमाग कहलाती। इनकी संख्या एक से अधिक होती है और कोशिका में लंबुक चाबुक की संरचना को कशाब कहते हैं और इनकी संख्या कुछ कम होती है। नंबर आठ पर है धानिया। वे संरचनाएं होती हैं जिनका कोई आकार व आकृति नहीं होती। पादप कोशिका में धानिया जंत कोशिका की अपेक्षा बड़ी होती। अंतिम में है तारक काय व तारक केंद्र।
यह जंत कोशिका में कोशिका द्रव्य के बिना कणों को साफ करने वाला क्षेत्र होता है। इसमें दो छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाकार गोलाकार संरचनाएं होती हैं जिन्हें कारक कहते हैं। ये आपका कोशिका द्रव्य और इसके विभिन्न प्रकार के कार्य के बारे में आपको बताया गया है। वीडियो को ध्यान से देखकर कॉपी में नोट करें, याद भी करें। थैंक यू।